जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आपके लिए लाया हूँ नया ट्यूटोरियल। मैं आपका टीचर निखिल दाधीच में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्यूटोरियल की क्लास। तो आप देखेंगे जो आपने थंबनेल में देखा वही मैं आपको आज बताऊंगा। तो कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे बनाना है, कंप्लीट शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भी अच्छे से बना सकते हैं घर पर, बिल्कुल ईजी है। तो ये मेरा आर्टबोर्ड है, इस पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं। ये रेक्टेंगल टूल यहाँ दे रखा है, रेक्टेंगल टूल लेना है और एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया है। इसका कलर, वो बैकग्राउंड वाला जो कलर वो सेम है, इसलिए वो आपको थोड़ा मैच लग रहा है, आपको सेम लग रहा है। कलर को थोड़ा आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से। अब आपको लेयर में जाके न्यू लेयर बनानी है, उस लेयर को सबसे ऊपर रख देना है क्योंकि नीचे वाले जो लेयर अपन को उस पर वर्क नहीं करना है। लेयर को अलग ही रखिए ताकि उस पर ईजिली काम हो जाए। अब इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, एक नहीं इसकी मुझे तीन कॉपी चाहिए, लेकिन अभी मैं एक बनाता हूँ और उस पर कैसे काम करता है उसके बाद अपन उसकी तीन कॉपी भी बनाएंगे। अब ये जो मैंने कॉपी बनाई है, मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ लिखा हुआ ओपेसिटी 100% है, जो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। अब ओपेसिटी कम करने का फ़ायदा क्या होगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अभी, क्योंकि अपन इसको बाद में जाके सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसकी ओपेसिटी मैंने ज़ीरो रखी है। तो आपको सिर्फ इसकी सिलेक्शन शो होगा और कुछ भी शो नहीं होगा। अब आपको टाइप टूल लेना है। अब टाइप टूल लेने के बाद आपको टाइप इसके ऊपर नहीं करना है, इसके अंदर टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जूम कर रखा है और आप देखिए मैंने बिल्कुल अंदर हल्का सा बॉर्डर की जितनी जगह छोड़ी है और अप्रोक्स जितना आपको कम लगे उतना आप लिख सकते हैं। अब इसमें वो चीज़ लिखनी है जो आप चाहते हैं कि 3D बॉक्स के ऊपर शो हो जाए, तो यहाँ आप जो इच्छा वो लिख सकते हैं। मैं कुछ कोट्स डाउनलोड करता हूँ नेट से, वो इसमें लिख देता हूँ। अब मैं इसकी तीन कॉपी कर लूँगा, तीन नहीं मतलब इसकी दो कॉपी और कर लूँगा। तीन तो मुझे टोटल करनी है, तीन क्योंकि 3 साइड से, इसलिए तीन कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे तीन कॉपीज़ बना ली है और उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ का अलाइनमेंट राइट रखा है, कुछ का लेफ्ट रखा है, तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। अब आपको क्या करना है, विंडोज़ में जाना है और नीचे आप देखेंगे तो सिंबल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सिंबल्स। आपको सिंपली सिंबल वाला पैनल ओपन करना है और जो आपने बनाया उसको सिंपली ड्रैग करना है और उसमें ड्रॉप करना है। ये देखिए जैसे मैंने इसमें ड्रॉप किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ इसका नेम पूछ रहा है, नेम आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। मूवी क्लिप रखना और डायनेमिक सिंबल को ही रखना, क्योंकि डायनेमिक सिंबल अपन इसलिए रखते हैं ताकि उसको बाद में अपन चेंज कर सकें। अब ये सिंबल आपका बन चुका है, सिंपल है। ऐसे ही तीनों के साथ आपको करना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। सिंबल का नाम जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, बस नाम जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, वरना ये बोलेगा वो नाम पहले से एग्जिस्ट करता है, उस नाम को चेंज करना है, ठीक है। ये तीनों अपने सिंबल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों को अपन उठा के साइड में रख देते हैं, इनकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो अपना बॉक्स था रेक्टेंगल, इस पर अपन थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। कैसे, आपको इफेक्ट्स में जाना है, ये इफेक्ट्स के अंदर और 3D और फिर उसमें आप देखेंगे एक्सक्लूड एंड बिविल। एक्सक्लूड एंड बिविल वाला आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, इसकी मैं जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ और प्रीव्यू को ऑन कर लेना ताकि आप जो भी चेंज करें आपको पता चल जाए कि आपने क्या क्या चेंज किया है। अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे मैं कुछ एक्सेस को चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्शन जो है इसके एक्सेस वाई एक्सेस जो भी हैं वो सारे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ, इसको थोड़ा सा अपन रख लेते हैं 51 डिग्री पे, -51 डिग्री, और जो रोटेशन है वो इतना कर लेते हैं 34 और ये 16। और पर्सपेक्टिव जो है ये एक तरह से व्यू करने का नज़रिया होता है, नज़रिया बोल सकते हैं इसको, तो वो 48 करना है। अब आपको जाना है मैप आर्ट पे, तो अपने सिंबल उसको कन्वर्ट कर ही रखा था तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अपन ने सिंबल में इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन दे रखा है। अब आप देखेंगे सरफेस जो है, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो सरफेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। अब जो मैं चेंज करूँगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सिंबल में आपको जाना है और जो आपने सिंबल बनाया है वो यहाँ पे जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। अब सेकंड साइड आते हैं, उस पर अपन सेकंड वाला ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं रोटेट करके देखता हूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा और रोटेट करता हूँ दूसरी तरफ तो ये बिल्कुल उल्टा ही हो गया। अब इसको रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, उससे मैच कर रहा है, बेटर लग रहा है। थर्ड साइड जो है, साइड चेंज कर लेते हैं पहले और
ये देखिए, ये अभी बैक वाले साइड जो ये साइड से अपन को नीचे ये वाली साइड चाहिए फिफ्थ नंबर की, 333 में जाना है। जहाँ पे वो टेढ़ा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा अपन रोटेट कर सके अपने अकॉर्डिंग, उसको सेट कर लेते हैं। ये भी सेट हो चुका है, थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा तो अपन वही पहले वाली जो साइड थी वही रख देते हैं इसकी। और जो ज्योमेट्री है, इनविजिबल ज्योमेट्री, उस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे जो ज्योमेट्री थी वो हट चुकी है और जो अपना आर्ट वर्क है इसलिए वही शो हो रहा है। और इसमें थोड़ा सा अपन को चेंज करना है, हल्का हल्का सा, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा अपने इसको अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना है, थोड़ा सा नीचे करके, ताकि वो उससे बिल्कुल मैच हो जाए अच्छे से। आप देखेंगे अब थोड़ा सा परफेक्ट मैच हो रहा है, बिल्कुल बराबर जो गैप्स है वो बराबर हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा नीचे कर लेते हैं, अभी बेटर लग रहा है, और ओके कर देता है। तो ये 3D में जो टेक्स्ट था, जो टाइपिंग की थी, वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो कमेंट करके बताइए इसमें क्या अच्छा नहीं लगा। आगे की वीडियोज़ में मैं इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक तो आपको करना ही है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है यार। तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।